Hello everyone, I am back with another video on Microsoft Word. It's the lecture number 4. It's all about autocorrect, working in paragraph and find and replace. So hum start karte hain hamare autocorrect se. Aap dhyan se dekhiye starting se hi. Jaise maine my type kiya to maine dono jo alphabets likhi ya jo maine word type kiya wo maine small mein likhe aur jaise hi main space dabaunga wo apne aap jo first hoga wo capitalize ho jayega. Jaise main pura sentence aapko likh ke batata hu, my name is शिवम. मैंने जैसे ही स्पेस दबाया उसने अपना कैपिटलाइज कर दिया. ये होता है हमारा ऑटो करेक्ट. अगर मान लो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रॉब्लम, स्पेस दबाया और अपने आप उसने लार्ज कर दिया. अब जैसे अगर मैं कुछ सेंटेंस ऐसे लिख देता हूँ जो वो सही नहीं कर सकता, उसके नीचे वो अपने आप अंडरलाइन डाल देगा. तो वैन आप इसको यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे इसको चेंज करने की. प्रॉब्लम ये पॉलीमेलमा ये आपका एक वर्ड होगा शायद मेरी, एंड प्रॉब्लम ऑप्शन. मैंने प्रॉब्लम नहीं, तो आप यहाँ पे जाके इसको टैग करोगे तो प्रॉब्लम आपने हम सेटिस्फाई हो जाएगा. उसके बाद आपको हम इसको अगर आप चाहते हो कि हमने कुछ ऑटोक्रेट वर्ड्स जो पहले से ही इसमें सेव हो वो कैसे चेंज होंगे, तो जैसे मैं जाएंगे हम फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, आपको जाना है प्रूफिंग के अंदर और यहाँ को ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन. आप जब इस पर टैप करेंगे तो आप एक लिस्ट खुलेगी. अगर मैं ये ब्रैकेट के साथ सी ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ तो मुझे ये वाला सी मिलेगा. अगर मैंने यूरो डालना है तो मैंने इस ई को ब्रैकेट में डालना है तो यूरो मिल जाएगा मुझे. ऐसे ही आपको बहुत सारे दिए होंगे. जैसे अगर हमने ऑलवेज टाइप करोगे ये ऑलवेज का ये हो गया, ऑलमोस्ट का ऑलमोस्ट हो जाएगा अपने आप. तो जैसे कि हम बात करते हैं, मानो मैंने जीएसटी को अगर मैंने लिखना है यहाँ पे गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको मैंने करा ऐड देन ओके क्लोज. जैसे ही यहाँ पे जीएसटी लिखूंगा और स्पेस दबाऊंगा वो अपने गुड एंड सर्विस टैक्स में हो जाएगा. और जैसे ही मैं आपका ऑल मोड्स लिखूंगा वो अपने आप ऑलमोस्ट में भी हो जाएगा. अगर मैंने मान लो कि मैंने अपना ऑटोक्रेट ऑप्शंस को कुछ डिलीट करना है तो वापस प्रूफिंग में जाएंगे हम, ऑटोक्रेट ऑप्शंस में जाएंगे हम, फिर से जीएसटी सर्च करेंगे और यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर देंगे देन ओके. और जैसे ही मैं अब यहाँ पर जीएसटी लिखूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा. तो ये होगा हमारा ऑटोक्रेट के ऊपर बात. तो इसको हम फाइल को क्लोज करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारे वर्किंग इन पैराग्राफ से. ओपन ब्राउज, हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग इन पैराग्राफ से. वर्किंग इन पैराग्राफ में सबसे पहले हमारी जो बात होती है वो थे अलाइनमेंट की बात. अब आप सारा देख सकते हो कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड है. अगर मैंने इस पैराग्राफ को राइट की तरफ या सेंटर में अलाइन करना है तो अगर मैं सेंटर में चाहता हूँ तो ये आप पैराग्राफ ऑप्शन में जाएंगे, ये अलाइनमेंट के ऑप्शन आ गए हैं, इस पर आप दबाएंगे तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा. राइट को करूँगा राइट में अलाइन, और जस्टिफाई करने के लिए कि सारा मतलब एक ही साइड पर रहे तो वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा आपका. जस्टिफाई मतलब देखो आप ध्यान से देना, लेफ्ट और जस्टिफाई में फ़र्क क्या है. अगर मैं लेफ्ट दबाता हूँ तो जैसे मेरा ये वर्ड कुछ आगे पीछे हैं, लेकिन अगर मैं जस्टिफाई दबाता हूँ लेकिन ये सारे वर्ड्स अलाइन हो जाएंगे प्रॉपरली. लाइक सिमिलर इन दिस, अगर मैं जस्टिफाई दबाता हूँ तो ये सारे वर्ड्स अलाइन हो गए प्रॉपरली. उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिंग की. अब ध्यान देना जैसे ये बीच में स्पेसिंग है, जैसे मैं इसमें एंटर दबाता हूँ जो बीच में जो गैप आता है वो क्या है, गैप है वो है स्पेसिंग का. मान लो जैसे मैंने सेलेक्ट करा स्पेसिंग, आपके पास ये लाइन आ जाएगी स्पेसिंग की. अब इसमें मैं जाऊँगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ. जैसे मान लो मैंने अगर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करा तो ध्यान देखना, जैसे मैंने क्लिक करा जो मेरा स्पेसिंग थी पहले वो चेंज होके जीरो स्पेस ही होंगी. और अगर मैं चाहता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो ये ऐड स्पेस करा जैसे मैंने पहले था वैसे ही आ गया. उसके बाद हम करते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के बाद. जैसे कि अगर मैंने लाइन की स्पेसिंग चेंज करनी है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन लूँगा तो जैसे मेरे बिफोर आफ्टर पॉइंट्स आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. उसके बाद हम जाएंगे स्पेस बिटवीन लाइंस. अब जैसे मान लो ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट करा, इन पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस है ना, जैसे मैंने ये इसमें लाइंस जो स्पेस में बिल्कुल कम, ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा जैसे फ़र्क दे सकते हैं वैसे ही स्पेसिंग बढ़ती जाएंगी. तो हम जैसे मान लो नॉर्मल पे कर देते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग की. मान लो मैंने डॉक्यूमेंट को कुछ मैंने सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पे गया बॉर्डर एंड शेडिंग पे. मान लो मैंने पूरा सेलेक्ट करा, इस पर मैं गया बॉर्डर एंड शेडिंग पे. शेडिंग में यहाँ पे आया मैं, मेरे पास मेरा बॉर्डर्स आ गए कि मैंने टेक्स्ट पे बॉर्डर करना है या फिर पूरे पेज बॉर्डर करना है. तो हम बात करते हैं पेज बॉर्डर की. पेज बॉर्डर करा मैंने तो आप इसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्ट कर सकते हो कैसा बॉर्डर चाहिए. मैंने जैसे ये सिलेक्ट करा, होल डॉक्यूमेंट पे चाहिए या किसी सेक्शन पे चाहिए, फर्स्ट पेज पे चाहिए, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज चाहिए, आपको वैसे कर सकते हो. मैंने ओके करा तो एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर आ गया पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर. ये हो गया मेरा बॉर्डर. उसके बाद अगर आपको चाहिए शेडिंग, मान लो जैसे टाइटल है,
आपने इसको सेंटर में करा, मैंने यहाँ इसके नीचे बॉर्डर लगा दिया। आप ऐसे भी इसको बॉर्डर भी कर सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। और अगर मैं चाहता हूँ मुझे शेडिंग चाहिए इसके ऊपर, तो मैंने बॉर्डर शेडिंग करी, मैंने बॉर्डर शेडिंग करी मान लो इस कलर की, तो ये बॉर्डर शेड हो गया और ये उसके अंदर एक बॉर्डर आ गया। तो ये हमारा हो गया शेयर बॉर्डिंग और शेडिंग टाइटल। चलो अब हम ये हो गया हमारा, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फाइंड एंड रिप्लेस की। इसी डॉक्यूमेंट में बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट से फाइंड एंड रिप्लेस। ये फाइंड एंड रिप्लेस तब काम आता है जब आपको पास पता है कि आपको ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है और आपने मिसटाइप कर दिया है या आपने उस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम ना जैसे ही क्लिक करेंगे फाइंड पे, तो हमारा एक न्यू नेविगेशन पेन दिखेगा। अगर मैंने टाइप करा यहाँ पे वर्ड एजुकेशन और एंटर करा, तो उसमें दिखाया कि मेरे पास 38 रिजल्ट्स हैं इस एजुकेशन वर्ड के। और जैसे ही मैं इस एरो से नीचे जाऊँगा तो मुझे सारे वर्ड दिखाता रहेगा। और अगर मैं इस ड्रॉपडाउन में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ एडवांस्ड फाइंड पे, तो मेरे पास एक पूरा ऑप्शन खोल जाएगा एडवांस्ड फाइंड पे। अगर मैं जाता हूँ रिप्लेस के ऊपर, एजुकेशन मैंने सर्च करा, मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ स्टडी से, और मैंने क्लिक करा रिप्लेस और यस करा ओके, तो मेरे जितने वर्ड एजुकेशन के थे वो सारे मेरे हो गए हैं स्टडी के बेसिस पे। तो ये हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल शेडिंग के ऊपर, सॉरी वर्किंग इन पैराग्राफ के ऊपर, फाइंड एंड रिप्लेस एंड ऑटोकरेक्ट के ऊपर। थैंक यू, होप यू लाइक इट।